हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर ड्यू सोल का बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट के जो सिलेबस क्या रहने वाले थर्ड सेमेस्टर के अंदर, जो कि NEP बेस यानी बिल्कुल न्यू सिलेबस रहेगा जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर दे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, थर्ड सेमेस्टर का बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस, मेन सब्जेक्ट NEP बेस, जरा देख लेते हैं क्या रहने वाला। तो बीकॉम ऑनर्स का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जो पहला सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा बिजनेस मैथमेटिक्स, ये भी मैथ है, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स आपको पहला जो सब्जेक्ट इसमें मिलेगा, जरा हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, कितनी यूनिट आपको पढ़नी है, क्या सिलेबस रहने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो उसमें टोटल आई थिंक 4 से 5 यूनिट आपको देखने को मिले। पहला जो यूनिट है, इसके यूनिट का नाम है आपका मैट्रिसेस एंड द डिटरमिनेशंस, यूनिट 1 का आपका ये पूरा इसका सिलेबस है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट मॉडल ये सारा रहेगा। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कैलकुलस, यूनिट 3 में आप पढ़ोगे कैलकुलस 2 सेकेंड, ठीक है, ये सारा रहेगा, जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सारा रहेगा। यूनिट 3 का सिलेबस ये है, आप नोट कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स वाले, ठीक है, ये है। और यूनिट 4 में आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल इफेक्टिव, इंटर रिलेशनशिप, ये सारा आपका रहेगा सिलेबस। यूनिट 5 में आप पढ़ोगे लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका जो सिलेबस रहेगा 9 घंटे का रहेगा पूरा, ये रहेगा पूरा। LLP के बारे में पढ़ोगे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, तो ये इसका पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हो। तो अब जो आपका जो दूसरा जो आपको सब्जेक्ट इसमें दिया जाएगा वो ज़रा देख लेते, वो रहेगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट रहेगा ड्यू सोल के अंदर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ज़रा इसका सिलेबस देख लेते, इसमें टोटल 5 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, इसका जो पूरा कंसेप्ट इधर रखा है क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, जैसे नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है, जिसका ये पूरा दे रखा है इन्होंने सिलेबस। यूनिट 3 में पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारा रहेगा आपका, ठीक है। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे डिवाइडेड डिसीजन, यूनिट 5 में पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है, यानी 5 यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेगी, इसमें कैश साइकिल, रिस्क रिटर्न, ट्रेड ऑफ, ये सारा आपका रहेगा। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट है, 3 ही सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन में रहेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये आपका बीकॉम ऑनर्स का तीसरा और आखिरी मेन सब्जेक्ट है। तो इसका जरा सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एनवायरमेंट, ठीक है, इसका पूरा सिलेबस है ये है, आप कंसेप्ट ये पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है। दूसरी यूनिट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन, जिसमें आपको कंज्यूमर मार्केट सिलेक्शन दोनों पढ़ोगे। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे प्रोडक्ट डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका पूरा रहेगा। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे प्राइसिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, ठीक है, ये सारा आपका रहेगा। यूनिट 5 में पढ़ोगे प्रमोशन डिसीजन एंड डेवलपमेंट मार्केटिंग, इसका जो सिलेबस है ये सारा है, आप देख सकते हो यूनिट 5 का, ठीक है। तो ये तीनों आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे जिनका सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया बीकॉम ऑनर्स का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।